गाइस आज आंटी बना रही है डाइट में ये सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टमाटर डाल दिए इसमें, गाजर डाल दी और प्याज डाल दिए। प्याज डाल रही है और अभी ये बना रही हूँ बच्चे के लिए। गाइस देखो ये बच्चे लायक नहीं है गाइस, बहुत बदतमीज बच्चे हैं ये। गाइस ये देखिए किसी एक माँ अपने बच्चे को बदतमीज खोल दिए, देखिए। और यहाँ मम्मी 2 लीटर की पानी की बॉटल खराब हो गई ऐसे। अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने स्वीट कॉर्न तो रेडीमेड लाए हैं, दाल जो है आप घर में भी कर सकते हो इसको ऐसे रेडी जो है, ठीक है। मैं इसको खुली प्लेट में डाल देती हूँ, ये लोग खा लेंगे सब। और इस पे मसालों में हम डालेंगे, भाई क्या शोर मचा दिया इन्होंने। देखो आप कोई भी सब्जियाँ इसमें चुकंदर वगैरह ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने प्याज और खीरे भी कुछ अलग ही नस्ल के थे बच्चों, किसी को नाम पता हो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको या बाद में दिखा दूंगी। और अब इस पे डाल रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी काली मिर्च और चाट मसाला, वो तो और अच्छी बात है पर चाट मसाला मेरे पास है नहीं तो मैं इसलिए काली मिर्च और काला नमक डाल रही हूँ। और मैंने जब इनको बॉईल करा था ना हल्का सा, तो नमक मैंने उस टाइम भी डाला था तो इसलिए मेरे को हल्का नमक ही डालना है, ठीक है। और अब इस पर हम निचोड़ देते हैं नींबू, जिससे कि और टेस्ट आ जाए बच्चों को, स्वाद भी लगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें वैसे तो ये लोग खाते नहीं। अब चलो कम से कम डाइट के बहाने ही सही खा तो रहे हैं, नहीं तो इन लोगों को बड़ी आफत आती है। तो चलो बच्चों मैंने आपको बताया ही है कि जब जब मैं ऐसी चीज़ें कुछ जो भी इनकी डाइट के लिए रोज़ बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। और पुनीत की डाइट अलग बनेगी क्योंकि वो मोटे होने वाली खा रहा है ना, क्या बोलते हैं, गेनिंग के लिए खा रहा है, गेनिंग, तो उसकी अलग बनेगी, वो दिखा दूंगी आपको। ऐसे की है बच्चा कुछ दे दो। तो बच्चों चलो जैसे कि आपको पता है आज या शनिवार और कल आपको मिलेगा वीडियो, तो आज सैटरडे है, गुरुद्वारे जाना है, सबकी नखरे हो जाते हैं सैटरडे को, तबीयत हो रही है खराब, पम्मी की थोड़ा उनको आई फ्लू हो रहा है तो पुनीत जा रहा है लेके हमें। तो आप देख सकते हो इतनी बिजी है प्रेरणा कि गाड़ी में ही मेकअप कर रही है बेचारी, सारा दिन घर गृहस्थी के काम में इतना व्यस्त रहती है बेचारी को टाइम ही नहीं मिलता, घर में मेकअप करने को भी मिलता, गाड़ी में मिलता टाइम, गाड़ी में मेकअप कर रही है। देखो ये तू तो इतनी सुंदर वैसी है बेटा, तुझे मेकअप करने की क्या जरूरत है, मेकअप तो हम जैसों के लिए बना है, टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। पता जैसे जैसे हम वीडियो बनाते हैं फिल्टर लगा लेते हैं ना, तो अगर ऐसा फिल्टर का ही बिगड़ रहा हो ना जो परमानेंट रहे ये खरीद लेगी। नहीं वैसे इसको जरूरत नहीं है मेकअप की, मेकअप तो इसको ज्यादा जरूरत है। हाँ नहीं मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, मेकअप की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेकअप करने के बाद भी ऐसे ही भद्दी दिखती है। ये बात तो सही है दादा, बस चोटों मारो ना मुंह पे। तो बच्चों यहाँ पे मिल गए हैं प्रेरणा के सब्सक्राइबर, प्रेरणा और कशिश के, और क्योंकि कल लाइव में भी बोला ही था, और कई लोग तो पहचान करके पास आ जाते हैं, कई लोग शर्माते हैं तो वो लोग फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं प्रेरणा और कशिश के साथ। और नोना सो गई है, मत्था टेक आए हम, नोना सो गई थी इसलिए कशिश और पुनीत यहीं रह गए थे गाड़ी में। और चलो चलते हैं, ये उन सब्सक्राइबर की बेबी है। तो सामने बच्चों कुछ बच्चियां खड़ी थी और 2-3, लेकिन वो काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी, वो शर्मा रही थी। अगर कहीं भी आप लोग प्रेरणा का शीश वगैरह या पम्मी को किसी से भी मिलना चाहते हो और रास्ते बीच दिख जाते हैं तो आप बिल्कुल ना शर्माया करो, हम भी आप लोगों के जैसे ही हैं। आपकी अगर मिलने की इच्छा हो या फोटो क्लिक कराने की होती है, कई बच्चे करवाते हैं, अगर मिलने की इच्छा बात करने की होती है तो आप आके कर लिया करो, शर्माया मत करो। ये बच्चे भी बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, जैसे आप लोग हो, और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कभी ऐसा होता है मैं भी घर को ही आ जाता है जल्दी में कहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर रास्ते बीच कहीं मिलते हैं तो कई बार मैं भी नोट करती हूँ, हम लोगों को पता होता है कि वो हमें देख के आना चाह रहे हैं, तो कई बार मैं तो बोल ही देती हूँ कि बेटा आ जाओ, ठीक है। अभी काफ़ी देर से मैं देख रही थी बच्चे सामने खड़े होकर शर्मा रहे थे, तू जा तू जा, लेकिन अगर कहीं आपको लगता है ऐसे तो आप लोग आ जाया करो। अब देखो कितने टाइम लगेगा, मैं वेट ही कर रही हूँ, अंदर नोना सो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
प्यारे से सब्सक्राइबर हैं वो नोना के लिए बहुत छोटा सा प्रिटी सा पिंक कलर का ये पाउच लाए हैं, बैग जो है कैरी बैग। और नोना आपको पता ही है ये वाली गेम जो है करके खेलती है, तो नोना जब उठेगी तो नोना भी हैप्पी हो जाएगी। जो भी बच्ची लाई है उसको थैंक यू, और वो शायद उन्होंने अभी यहाँ मार्केट से ही नोना के लिए देख के लिया, बहुत अच्छा लग रहा है प्रिटी सा। बट कोई बात नहीं, आप लोग अपनी बेस्ट विशेष वैसे ही दे दिया करो, आप लोगों का प्यार बच्चों पे बना रहे ऐसे ही, इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चे। और पता नहीं कितना टाइम और लगने वाला है इनको, अभी आ जाओ भाई, टाइम हो रहा है, आ जाओ। देखो बच्चों, आप सोच रहे हो हम सुबह सुबह कहाँ निकल दिए, दूरी की आंखों में हो गया, आई क्यू पम्मी के हो रहा था, मैं बोल रही थी चश्मे पहन के घूमो, ये नीमी ने मेरी बात मानी, दीदी को भी हो गया, तो हमने सोचा दवाई ले लेते हैं, क्योंकि चलो पम्मी तो एक बार को नहीं लेंगे, नूना को समझ आ जाएगा नहीं आएंगे, लेकिन नूना मानती नहीं है, क्योंकि अब दीदी जब से यहाँ पे है, मैं क्यों दीदी बोल रही हूँ इसे, जब से निशी यहाँ पे है तो उसकी बॉन्डिंग और ज़्यादा हो गई है, वो इसके बिना भी नहीं रहती। तो देखो इसको दवाई दिला देते क्या कहते हैं डॉक्टर, आँख निकालनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी या दूसरी लगानी पड़ेगी, ये बारिश आ रही है। तो बच्चों दवाई ले आए हैं, दवाई डाल दी है, दीदी आंखों से देख नहीं पा रही है, सबको एक आंख से देखेगी, अब सारी दुनिया एक आंख से देखेगी। बेटी अंधी हो गई हमारी। गाइस बाय बाय। हेलो गाइस, आंटी क्या बना रही हो बताओ भैया। क्या बताऊं, इनका वही जिम की डाइट वाइट, इसमें क्या बच्चों एक्सरसाइज है, इसमें बच्चों मैंने सोयाबीन जो है ना भिगो के रख ली थी, सोख करके उसको थोड़ा सा भून लिया है ताकि उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, और उसको मैंने ड्रायर क्या ही देखो उसमें मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, थोड़ी छोटी छोटी हो गई उसमें वो लच्छे, और इसमें मैंने खीरा और शिमला मिर्च और प्याज और गाजर है इसको मैश कर लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने मसाले डाले हैं, थोड़ा सा काला नमक काली मिर्च और मसाला डाल दिया, और यहाँ पर मैंने टोस्ट बना लिया, देखते हैं अभी तो हुए नहीं एक तरफ से, और ये ब्राउन ब्रेड मैंने ले लिया, बस इस तरह से मैं इनकी स्टफिंग कर दे रही हूँ। गाइस यहाँ पे बच्चों का तो हो गया था काम, आपके अंदर भी आ गया, मतलब मैं गाइस बोल दूँ हो गया, बच्चों और मेरे फ्रेंड्स अंकल भी आ गए लंच पे, और कई सारे कमेंट आते हैं मेरे ब्लॉग पे कि आंटी थोड़ा किचन संभाल लो ये वो, बेटा मैं अकेली हूँ काम करने वाली घर में, बच्चों के पास टाइम नहीं लग पाता, और मोस्टली क्या होता है अब क्या करूं, जब खाना बनाती हूं तो किचन जो है मैशअप हो ही जाता है, मैसी हो जाता है, ठीक है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग उसी टाइम देखते हो, ऐसा करूंगी अब मैं एक वीडियो किचन जब हम किचन क्लोज करते हैं ना, अब इस समय चार काम चल रहे हैं एक साथ, तो अब मैं चार कामों में अगर किचन संभालती रहूँगी तो किचन ही संभालती रह जाऊँगी, मैं अकेली हूँ, यानी कि अंशु की अलग डाइट बनेगी, अंशु और इन सब की पूरी और पम्मी की अलग होती है, और अंकल के लिए अलग खाना बन रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे में मैं एक बार संभाल के दिखा दे रहा हूँ, देखो दिखावा नहीं करना है मुझे, काम करते टाइम पे तो हो ही जाता है मैसी किचन, अब जब साफ़ होगा ना कोमल, जब मैं सारा क्लोज कर दूँगी तब दिखा दियो कि हाँ ऐसे रहता है। मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, टोस्ट मेरे जो हैं दो तैयार हो गए हैं, मैं इनको दे रही हूँ, दो उसमें हो रहे हैं, दो हो चुके हैं, तो ये बड़े टेस्टी लगते हैं, आप लोग वैसे भी ज़रूरी नहीं है जिम विम करें, जो बच्चे वही खाएं वैसे भी खा सकते हैं आप। तो बच्चों दीदी को दवाई दिलवा के आने के बाद मैंने बना दिया खाना, और आपको बता ही दिया था, बच्चों को मैंने सैंडविच वगैरह बना दिए और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी रात की कुछ दाल पड़ी थी सब ने खा लिया, और अब सब हो गए हैं तैयारी में शुरू, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दीदी की स्टोरी देख ही ली होगी कि आज हम लोग जा रहे हैं प्लोटस मन्नत हवेली, वहाँ पे हमें आना है सारी फैमिली को, इस टाइम नहीं बस प्लेट डालनी, अरे मेरा ही नहीं दिया अभी तक, मैं बैठी हुई इंतजार में, फिर वो मेरा रोकेंगी, तो कलर अलग है, कलर डिफरेंस है, डिफरेंट है बस, बावर्ची बन के जाएंगे आज, और नीचे ट्राउजर्स तो भैया कहीं जाते हैं ना इतने कपड़े इनके पास, फिर ये ड्रामा करते हैं, तो चलो बच्चों चल के मिलेंगे वहाँ, देखना बच्चे बनाएंगे और कैसे, हाँ वही वही तो मैं कह रही हूँ। चलिए इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक इसी को एंजॉय करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, टाटा बाय बाय, लव यू।